नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमनाथ और आप देख रहे हैं सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे सिनेमैटिक जो कलर टोन होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं, आज हम लोग वही सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिए वो लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक फ़ोटो यहाँ पे लोड कर लिया हूँ। ये फ़ोटो आपको डाउनलोड करने का लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, इसको सिनेमैटिक इफेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए, ये राउंड कलर का जो ब्लैक एंड व्हाइट जो सर्कल है इसको क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे देखिए सिलेक्टिव कलर है, अगर आपका यहाँ पे आपको तकलीफ हो रहा है तो आप यहाँ से भी लेयर में जाके न्यू एडजस्टमेंट लेयर जो है इसमें जाके आप लोग ये चीज़ करें। तो सिलेक्टिव कलर आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद एक पॉपअप खुल जाएगा, इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप, एक डब्बा खुल गया है, इसका जो प्रॉपर्टीज है ये खुल के आ गया है। तो इसमें आपको सब कुछ सेटिंग करना है। थोड़ा सा सेटिंग करने के बाद ये सिनेमेटिक कलर लुकअप हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर थोड़ा कम है, ब्लैक कलर इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए आपको ये कलर में जाके इसको सिंपली ब्लैक सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद ये जो नीचे का जो ब्लैक लीवर जो दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा बढ़ाने से आपका ब्लैक टोन यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे 18 तक कर रहा हूँ, जिसका जैसा इमेज है उसका उतना अमाउंट इसमें डालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे 18 देता हूँ। उसके बाद मैं ये कलर्स में फिर से क्लिक किया। करने के बाद देखिए नेचुरल है, नेचुरलस है, इसको क्लिक कर दीजिए। ये बहुत ही पावरफुल है, देखिए आप समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर इसका भी है, नेचुरल पार्ट का भी, चारों कलर है, साइन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। तो ब्लैक को आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बढ़ा देंगे 8%, और इस साइन को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे 15%, और येलो जो है इसको थोड़ा सा घटा देंगे 15% या 14%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये एक कलर बहुत सारा बहुत ही अच्छा सा कूल इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। ये सिनेमैटिक इफेक्ट इसी को कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ब्लू, जब भी हम लोग येलो कम कर दिया तो ब्लू यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इसका जो स्किन टोन है ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, स्किन टोन नेचुरली येलो रेड कलर का होता है थोड़ा सा, तो इसमें हम रेड थोड़ा सा ऐड कर देंगे। रेड को सिलेक्ट करके ये जो नीचे का ब्लैक पार्ट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, और ये जो साइन है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, और येलो जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम बंद कर देते हैं। अभी आप देख लेंगे बिफोर में क्या था, आफ्टर में क्या हुआ। तो बिफोर में देखिए ऐसा आपका कलर टोन था, ओरिजिनल जो इमेज है इसका, और जो हम लोग अभी क्रिएट किए हैं उसका आप कलर देख सकते हैं, ये हुआ। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कौन सा इमेज बढ़िया हुआ। तो इसको सिनेमैटिक इफेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जे वहाँ पे ऊपर में देखिए सिनेमा जो आप लोग देखने जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे जो काला काला जो बॉर्डर होता है वो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आप रेक्टेंगल मार्कर टूल ले लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एक न्यू लेयर ले लेंगे, और लेयर लेके आप यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे से शिफ्ट दबा के नीचे से थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद अब यहाँ पे सिंपली ब्लैक कलर फिल कर दीजिए, तो ये आपका सिनेमैटिक कलर इफेक्ट, फिल्म इफेक्ट बन चुका है। अगर आपको नहीं देना है तो इसको मत दीजिए, अगर देना है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, ये जो हम लोग सिलेक्ट बना लिए हैं इसको जो क्रिएट कर लिया है, ये दोनों लेयर को सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक दबाइए। दबाने के बाद यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आप फिर से इसमें कोई भी प्रोसेस आप कर सकते हैं, कोई भी कलर आप एडजस्टमेंट बहुत सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं, तो ये फ़ोटो ख़राब नहीं होगा, इसलिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ज़रूरी है।
ये ध्यान में रखिए। तो ये होने के बाद आप क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैमरा रॉ है। बता दूँ कैमरा रॉ अगर आपका नहीं है तो आप जो लाइटरूम है, लाइटरूम के अंदर भी आप ये कर सकते हैं, जिसके पास लाइटरूम है वो कर सकते हैं। अगर कैमरा रॉ आपका फोटोशॉप CS6 है तो फोटोशॉप CS6 में कैमरा रॉ कैसे यूज़ होते हैं वो मैंने दिखा दिया है। ऊपर में देखिए एक नोटिफिकेशन आ रहा है यहाँ पे, उसको क्लिक करके देख लीजिए जी फोटोशॉप CS6 में कैमरा रॉ कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कैमरा रॉ दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिए, देखिए कैमरा रॉ खुल गया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा एक्सपोजर इसको घटा दीजिए और कॉन्ट्रेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और जो क्लैरिटी है थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए और इफेक्ट्स में जाके थोड़ा सा स्टाइलिंग जो इफेक्ट है दो चारों साइड से जो धुंधला होता है जो ये विनियर इफेक्ट बोलते हैं इसको, ये थोड़ा सा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका काम हो चुका है। इसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप लोग कर सकते हैं सिनेमेटिक इफेक्ट कलर। ये आपका ब्लू टोन में मैंने बनाया है, ब्लू साइन टोन में बनाया है, आप किसी भी कलर टोन में बना सकते हैं सिनेमेटिक इफेक्ट देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, दूसरा एक फ़ोटो में लेके हम दिखा देते हैं। ये एक इमेज है, फिर से हम लोग लेयर में जाएंगे, लेयर में जाके न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, जाके यहाँ पे देखिए सिलेक्टिव कलर है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पे जाके ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और नेचुरल्स में जाके थोड़ा सा इसका ब्लैक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और इसका साइन को आप उल्टा कर सकते हैं। पहले हम लोग किए थे ऐसे, ये आपका ग्रीन टोन में आ जाएगा, तो आप ज़्यादा देंगे तो ग्रीन टोन आएगा। जितना भी जैसा भी आपका टोन चाहिए आप यहाँ से छेड़छाड़ करके कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा कलर चाहते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचुरली सिनेमेटिक कलर टोन आपका ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ जो सिनेमेटिक इफेक्ट बन सके। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को व्हाट्सअप किया था कल, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये रेट थोड़ा सा दे देंगे क्योंकि यहाँ पे रेट देखिए गायब हो चुका है। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे रेट थोड़ा ज़्यादा था, रेट अभी इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्लू टोन ज़्यादा हो गया, तो इसको ठीक करने के लिए रेट को ले आइए। रेट को सिलेक्ट करके आप ब्लैक यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और साइन को थोड़ा सा घटा दीजिए, येलो को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। उसके बाद आपका काम हो गया, आई थिंक ब्लैक थोड़ा सा और देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा आप साइन ऐड कर सकते हैं। करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपका इमेज इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो देखने में आपको पसंद आया, अगर वीडियो देख के थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो दोस्त लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आपको अच्छा लगा तो दिल से एक लाइक कर दीजिए और देखते रहिए मेरा वीडियो, मैं हमेशा ऐसा वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, वंदे मातरम।